रूस के कई जंगी ठिकानों पर ड्रोन की मदद से एक साथ हमला बोल दिया, जिसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक इलाके के ऊपर यूक्रेन के ड्रोन मंडराते नजर आए। दावा किया गया कि वो जिन जगहों की रेकी कर रहे थे वो असल में रूसी फौज के खुफिया अड्डे थे, जिनमें गोला बारूद समेत कई रूसी सैनिक मौजूद थे। टारगेट लॉक होने के बाद प्लान के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन ने गोला नीचे गिराया, जिसके जमीन छूते ही वहां जबरदस्त धमाका हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ठीक उसी जगह पर एक और हमला हुआ। ऐसा ही एक वीडियो रूस के हथियार डिपो से भी सामने आया। जगह बेशक अलग, पर हमले का तरीका एकदम वैसा ही। रेकी की गई, एक गोला छोड़ा गया और धमाका हो गया। जब तक रूस की टुकड़ी संभल पाती तब तक एक और विस्फोट, जिसके बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। बताया गया कि इन हमलों में रूस को 2 जंगी टैंक, हथियार डिपो और करीब 25 सैनिकों का नुकसान झेलना पड़ा।